अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं, आजकल की जो न्यूज़ जनरेशन है वो मस्ते जनी गुनाह में बहुत ज़्यादा मुब्तला है और करते जा रहे हैं। हमारी ना इल्मी की वजह से ये इतना काम बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए आज की इस वीडियो हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की देखेंगे कि वो मस्ते जनी का गुनाह और इसका इलाज क्या बताते हैं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने बच्चों को भी समझाने की कोशिश करें ताकि कोई भी आपका भाई या बेटा इस गुनाह में मुब्तला ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई, तफसील में जाने से पहले मैं तमहीदन कुछ बातें अर्ज कर दूं। सही बुखारी में हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6474 और मिशकात में भी मौजूद है 4812। बुखारी में 6474, मिशकात में 4812। बड़ी मशहूर हदीस है कि इमाम कायनात सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल आलमीन सैयदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझे दो चीजों की गारंटी दे दे, जमानत दे दे, नंबर एक अपनी जुबान की और नंबर दो अपनी शर्मगाह की, तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जन्नत की जमानत देता। बहुत बड़ी जमानत है, जन्नत की गारंटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझसे ले लो अगर तुम अपनी जुबान की और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। लिहाजा ये शर्मगाह की हिफाजत के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मेरी बाकी सारी डिटेल गुफ्तगू मौजूद इस हवाले से इंशाल्लाह रिकॉर्ड होगी। इधर जितने भी भाई मौजूद हैं तकरीबन 80 के करीब लोग, इस हक बात को लोगों तक पहुंचाएं, और वीडियो में तो अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोगों तक ये चीजें पहुंचती हैं और इंशाल्लाह पहुंचेंगी, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि अब ये थोड़ी सेंसिटिव गुफ्तगू है, जाहिर है कि सेक्स के ऊपर जब भी डिस्कशन होगी तो एक सेंसिटिव इशू होता है, और मैंने वो उसके सेंसिटिविटी को प्रेजेंट करने के लिए ये रेड कलर का पीछे बैकग्राउंड लगाया ताकि जब लेक्चर सामने आए तो मुझे भी याद आ जाए कि ये सेंसिटिव लेक्चर है। तो अब जाहिर है कि ये लेक्चर हर मुसलमान मर्द औरत की जरूरत है, तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को जो लोग वीडियो के विसातत से देखेंगे या बाद में रिकॉर्डिंग के बाद किसी को दिखाना चाहें तो उसमें एक रिक्वेस्ट ही है कि फैमिली के साथ बैठ के इस वीडियो को ना देखें। लड़के जो हैं वो लड़कों में बैठ के देखें, लड़कियां लड़कियों में बैठ के देखें ताकि इस हवाले से कोई इशू ना हो। बाज़ुकात ऐसे अल्फाज ज़ाहिर है वो मतलब आएंगे, वो अल्फाज मेरे कोई जाती तो नहीं है, वो तो ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड एंड हिज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बयान कर रहे हैं। वो सारी चीजें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं, तो उनको बयान करने में कोई हर्ज नहीं है। और आज आपको अहदीस की सेंसिटिविटी से अंदाजा होगा कि ये कितना अहम तरीन मसला है, और खुसूसन आजकल जबकि सोशल मीडिया का फितना मुसलमानों को अपनी लपेट में ले चुका है, जो कि ओनली प्रैक्टिसिंग रिलीजन है ऑन द फेस ऑफ अर्थ इस्लाम, उनको भी अब इस एतबार से मुसलमानों को भी इस बेहयाई के फितने में डाला जा रहा है। तो आजकल तो लोगों के पास किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है, उलमा की तकरीरों का टाइम नहीं है, वैसे भी वो इस किस्म की बातें बेचारे पब्लिक के डर से करते भी नहीं है। तो बहरहाल ये चीजें रिकॉर्डिंग में आएगी तो इंशाल्लाह हजारों लोगों हजारों लाखों लोगों के लिए हिदायत का सबब इंशाल्लाह बनेगी। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हक बात कहने की और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। भाइयों, ये जो सूरतुल मोमिनून की 11 आयात शुरू की आई, इनमें 3 आयात आयत नंबर 5, 6 और 7 में जो सेक्स का डिसिप्लिन है इस्लाम का उसके ऊपर एम्फसाइज किया गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ीनहुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून। अहले ईमान की निशानी यह है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, और फिर साथ ही इरशाद फरमाया गया 2 एक्सेप्शन हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम सवाए अपनी बीवियों के, औ मा मलकत ईमानुहुम या फिर उनके हाथ का माल जो कनीजें हैं लोंडियां हैं वो, فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ तो फिर इस मामले में बेशक उनके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं है। فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ और जो कोई इन दो रास्तों के अलावा कोई भी रास्ता इख्तियार करेगा, कोई भी तीसरा रास्ता,
فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ, تو ایسے لوگ اللہ کی حدوں سے پھلانگ جانے والے ہیں, اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. بھائیو, ان آیات سے بالکل واضح ہو گیا کہ اہل ایمان کی شرمگاہوں کا جائز استعمال صرف اپنی بیویوں اور اپنے ہاتھ کا مال لونڈیوں اور کنیزوں کے ساتھ ہے, جو جنگی قیدی ہوتی ہیں, اور وہ بھی سب عورتیں نہیں, ایسی عورتیں کہ جو جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئی ہوتی ہیں. اب یہ ایک ڈیٹیل سے الگ ٹاپک ہے, چونکہ یہ اب سلیٹ ہو چکا ہے اس وقت کافی حد تک یہ معاملہ, اس لیے لونڈیوں کے حوالے سے میں آج ڈسکشن نہیں کروں گا, اس پہ تو علیحدہ سے پھر ڈیڑھ دو گھنٹے چاہیے. بہرحال کسی کو شوق ہو تو اس حوالے سے ایکسکلوسیو کام, امت لیول کا کام ایک شخص نے کیا ہے, اور وہ ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ المتوفا 1979 عیسوی. انہوں نے اپنی ینگ ایج میں, جب ان کی عمر صرف 22 سال تھی, میری الحمدللہ اس وقت 39 سال ہونے والی ہے اور لیونر ایئرز کے اعتبار سے 40 سال ہو چکی ہے, 22 سال جس وقت ان کی عمر تھی, انہوں نے کتاب لکھی الجہاد فی الاسلام, جس پہ تقریر ڈاکٹر اقبال نے لگائی تھی, اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص مستقبل میں مسلمانوں کو لیڈ کرے گا, اور واقعی لیڈ کیا. تو الجہاد فی الاسلام میں انہوں نے جو لونڈیوں کا کانسیپٹ ہے, اور اس حوالے سے پوری دنیا میں فتنہ ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے, آج کل کچھ ویڈیوز بھی آئی ہیں, مجھے بھی کافی لوگوں نے بھیجی. ایک وہ غیر مسلم ہے, اس وقت مرتد ہو چکا ہے, مسلمان تھا 16 سال تک وہ مسلمان رہا, اس کے بعد وہ ارتداد کا شکار ہوا, اور اس نے مسئلہ یہ لونڈیوں والا اٹھایا ہے. حالانکہ وہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ, کچھ چیزیں کچھ اور ہیں, ان کو بگاڑ کے پیش کیا جاتا ہے. بہرحال الجہاد فی الاسلام پڑھیں, مولانا مودودی کی کتاب. اس حوالے سے جو ایران کے اہل تشیعوں نے فتنہ اٹھایا ہے نکاح متاع کا, یا سعودی عرب کے اہل سنت علماء کی طرف سے, اہل حدیث کی طرف سے, یہ میں سعودیہ کے اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں, باقیوں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا, انہوں نے نکاح مسیار کے نام سے, آپ نام ہی دیکھیں نکاح مسیار, آسانی والا نکاح, نکاح متا, متا کہتے ہیں نفع اٹھانے والا, تو بالکل انہوں نے بس نام چینج کیا. بلکہ اگر مجھ سے پوچھیں تو نکاح مسیار جو ہے وہ نکاح متا سے بھی بدتر ہے. نکاح متا کے اندر تو نکاح کرتے وقت طے کیا جاتا ہے کہ میں تم سے 3 دن کے لیے یا 3 مہینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں. نکاح مسیار میں مفتی اعظم سعودی عرب جو 66 سال تک رہے, ابن باز رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے کہ جو اتنا بڑا بلنڈر وہ کر کے گئے, انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جو سعودیہ کے بچے پڑھنے کے لیے فورن ملکوں میں گئے ہیں تو وہاں جا کے عورتوں کے ساتھ شادیاں کر لیں, ان کو بتائیں نہ کہ کتنے عرصے کے لیے رکھنا ہے, بس یہ کریں کہ جتنے عرصے کے لیے تعلیم ہے اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ ان کے بعد طلاق دے دیں گے. حالانکہ نکاح کا مقصد تو خاندانی ایک نظام کو وجود بخشنا ہے, نہ کہ شہوت کی تسکین ہے, اس کو تو بڑا کنڈیم کیا گیا اسلام کے اندر. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی وہ نکاح متا میں تو طے کیا جاتا ہے, نکاح مسیار میں جو ہے وہ ذہن میں سوچا جاتا ہے, غرر اور دھوکے والا معاملہ کیا جاتا ہے, یہ دونوں قطن حرام ہے. نکاح متا کسی حد تک موجود تھا, بخاری اور مسلم میں احادیث موجود ہیں, اور بخاری اور مسلم میں ہی مولا علی علیہ السلام سے احادیث موجود ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. تو یہ علماء یہود کا کردار ایسے علماء ادا کرتے ہیں, خواہ اہل سنت میں ہو خواہ اہل تشیعوں میں. جو اصحاب سبت والا معاملہ ہوا مچھلیوں کے شکار والا, اس طریقے سے انہوں نے یہ جو ہے نکاح انٹروڈیوس کروائے ہیں. اس حوالے سے میرا ایکسکلوسیو کلپ بھی ہے تقریباً 8 منٹ کا, وہ 50,000 سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں. اس کے علاوہ بھی بڑا عام ہوا, میرا جو قرآنک لیکچر نمبر 52 تھا 2011 میں ریکارڈ ہوا تھا, آج سے 5 سال پہلے, اس میں ایک کلپ کاٹ کے چڑھا ہوا ہے. آپ اگر لکھیں یوٹیوب پہ جا کر شیعہ کا نکاح متا اور سنی کے نکاح مسیار کی حقیقت, آپ یہ رومن میں لکھیں, بلکہ آپ شیعہ کا نکاح متا یہ لکھ دینا تو میرے ہی کلپ ٹاپ پہ کھلے گا, کیونکہ سب سے زیادہ کلپ وہی دیکھا گیا. تو میں نے اس کے اندر جو ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے گفتگو کی ہے, آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بھائیو, ان 3 آیات کی روشنی میں سورۃ المومنون آیت نمبر 5 سے لے کر 7 تک بالکل اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ شرمگاہ کا استعمال ایک مسلمان مرد اور عورت میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں یا لونڈیوں والے معاملے میں ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اس کی قطن اجازت نہیں, خواہ نکاح متا ہو خواہ نکاح مسیار ہو. تو بھائیو,
जो शर्मगाह का इस्तेमाल है सिर्फ दो सूरतों में जायज है, उसमें से भी अब एक सूरत ही प्रैक्टिकली बाकी रह गई है, वो बीवियों के साथ और दूसरा लोंडियों के साथ। तो इससे ये चीज भी इसके अंदर इंप्लाइड है कि इसके अलावा जितनी भी चीजें होंगी शर्मगाह के इस्तेमाल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जायज नहीं होंगी। और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट चीज जो है वो ये मुश्त जनी वाला इशू है, जो नौजवान मर्दों के अंदर एक फितना पाया जाता है हैंड प्रैक्टिस का, उसकी भी हुर्मत इसी के अंदर इंप्लाइड है। यानी कोई मर्द जो है वो अपने हाथ से मनी निकाले और अपनी शहवत की तस्कीन करे, वले औदु बिल्लाहि तआला। और इसी किस्म के इश्यूज फीमेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इशारतन बात ही काफी है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में बाज़ उलमा की तरफ से, आजकल के कुछ जदीद उलमा हैं उनकी तरफ से फतावा और कुछ बुजुर्गों के फतावा पेश किए जाते हैं, वो सब के सब बेसनत और फजूल किस्म के फतावा हैं। कोई भी फतवा जो किताब व सुन्नत के वाज़े दलायल के अगेंस्ट होगा वो कतन एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ख्वा वो किसी बड़े से बड़े इमाम का हो, बड़े से बड़े फिलासफर का हो, बड़े से बड़े आलम दीन का हो। और इस्लाम का एक मिजाज है हया के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हर मुसलमान को पता है, उसमें कतअन कोई गुंजाइश नहीं बनती इस किस्म के कोई बुरे फेल की कि कोई शर्मगाह के साथ इस तरीके से खेले। तो ये जो शर्मगाह वाला मामला है और मुश्त जनी वाला जो इशू है मेरे भाइयों, ये ना सिर्फ हराम है, या चले कोई एहतियात के अंदर अल्फाज इस्तेमाल करें तो मकरूह तहरीमी, बल्कि ये गुनाह भी है और गुनाह कबीरा जिना की तरफ ले जाने वाला है। इससे रोजा भी टूट जाएगा और रोजे का कफारा भी वो सख्त वाला 60 रोजों वाला अदा करना पड़ेगा, और जाहिर है कि गुसल भी फर्ज होगा, और किसी ना किसी दर्जे में ये हाथों और दिल का जिना भी है, वले औदु बिल्लाहि तआला। चुनाचे इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी क्रिटिकल हदीस है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, सही बुखारी में 6612, सही मुस्लिम में 6754 और मिश्कात में भी 86 नंबर पे यह हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आंख का जिना देखना है, कानों का जिना सुनना है, बेहयाई की बातें सुनना, जुबान का जिना बोलना है, फौज गुफ्तगू करना, हाथों का जिना पकड़ना है, टांगों का जिना चलकर जाना है, और नफ्स तमन्ना और आरजू करता है और शर्मगाह उसकी तस्दीक कर देती है, वले आउज़ु बिल्लाहि तआला। तावील खास के एतबार से तो ये जिना के बारे में है, तावील आम में हैंड प्रैक्टिस वाला जो मुश्त जनी का इशू है वो भी इसी के अंदर दाखिल है, वले आउज़ु बिल्लाहि तआला। अब जाहिर है कि अगर इस किस्म की बीमारी में कोई शख्स मुबतला है उसका इलाज क्या है, तौबा करें और अल्लाह की तरफ रुजू लाए। और अल्लाह ताला ने इस हवाले से एक नेचुरल प्रोसेस भी रखा हुआ है, यानी मर्दों के लिए खुसूसन एहतलाम का, नाइट फॉल का इशू है कि जो एक्सेसिव इस तरह की जो इंसान के जिस्म के अंदर मादे बनते हैं वो ऑटोमेटिकली एक फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के तहत निकल जाते हैं। बहरहाल अपनी शहवत को कंट्रोल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज तजवीज फरमाया, सबसे बड़ा इलाज, और वो है निकाह। और अगर निकाह ना हो तो फिर क्या इलाज? अगर आजकल के फिलासफर्स और इन जो सो कॉल्ड बुजुर्गों के फतवे माने जाए तो वो तो कहते हैं कि जी आप नऊज़ु बिल्लाह जो है वो मुश्तज़नी कर लें, ये इलाज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इलाज तजवीज नहीं फरमाया। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, बुखारी में 5066 और मुस्लिम में 3398 और मिश्कात में भी मौजूद है 3080 नंबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवानों के गुरु, तुम में से जिसके पास इस्तेतात है वो निकाह करे, यानी जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है, जिसके पास इतना खर्चा है कि मामलात को लेकर चल सकता है। ये फाइनेंशियली मैं क्यों कर रहा हूं, वो हदीस के अल्फाज इसकी हिफाजत कर रहे हैं। अगर कोई शख्स इस्तेतात ना रखता हो, इसी हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उस शख्स को चाहिए कि वो रोजे रखे, ये रोजे रखना उसकी शहवत को ठंडा कर देंगे। और इसी हदीस में अल्फाज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें इस्तेतात हो तो शादी करो, निकाह कर लो,
शादी करना निगाहों को नीचा करता है और शर्मगाहों की हिफाजत का जरिया है। और जो शादी की इस्तेतात ना रखे, यानी फाइनेंशियली, ये तो नहीं है कि वो नमर्द है, नमर्द होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह का तो ना कह रहे होते, जो शादी की इस्तेतात ना रखे वो रोजे रख ले। तो ये बिल्कुल क्लियर कट हो गया कि सिर्फ रोजे रख कर इस हवाले से शहवत को कंट्रोल किया जाएगा और कोई सोर्स नहीं है। और भाइयों, सोशल मीडिया के एतबार से जो आजकल फितना उठा है, यानी कम्युनिकेशन गैप खत्म हो चुका है फेसबुक यूट्यूब के जरिए। यानी पहले जमानों के अंदर तो अगर कोई लड़की लड़का आपस में किसी एतबार से राबता भी करना चाहते थे तो कोई राबते मौजूद नहीं होते थे, लेकिन सोशल मीडिया इतना बड़ा फितना है कि कोई गैर महरम मर्द और औरत आपस में राबता कर सकते हैं। और मैं इस पे कहता हूं, ये इतना बड़ा फितना है कि इस फितने से सहाबा इकराम और रिदवान को भी नहीं गुजरना पड़ा। उन पर किताल की शक्ल का फितना आया, कि फितना पंजाबी वाला नहीं है, ये अरबी वाला आजमाइश। लेकिन बेहयाई का जो तूफान बदतमीजी है, बल्कि सही सुनामी जो है, इसका अशरे अशीर भी सहाबा के दौर में नहीं था। क्या उस दौर के अंदर सहाबा बाहर निकलते होंगे तो 20 फुट भाई 50 फुट की मोबाइल कंपनियों के इश्तेहार लगे होते थे बेपर्दा औरतों के? और ये सोशल मीडिया और टीवी, इसके जहां पे पॉजिटिव यूज है, ये नेगेटिव यूज वाला जो मामला उस जमाने में तो नहीं था। तो इस एतबार से गद्दे बसर बहुत जरूरी है निगाहों की हिफाजत करना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गद्दे बसर के लिए, निगाहों की हिफाजत के लिए, शहवत को कंट्रोल करने के लिए निकाह तजवीज फरमाया या फिर रोजे? और मैं एक और इलाज तजवीज कर देता हूं इस हवाले से, फकी वाला इलाज, इज्तहादन। क्योंकि मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, कहते हैं जी रोजे तो रखे नहीं जाते जी, मुश्किल है, गर्मी इतनी है, वो इसीलिए तो बताए गए हैं। तो मैं उनको फिर एक इलाज तजवीज करता हूं, एंटी वेनम। एक कोबरा सांप काट दे तो उसके वेनम का इलाज एंटी वेनम से होता है, जो कोबरे के जहर से तैयार होता है। पक्की वाला इल्जामी फिलोसॉफिकल आंसर। मैं कहता हूं मेरे भाई, मुझे कई बार फोन करते हैं तो फिर मैं उनके साथ सीधा हो जाता हूं, तो पहले तो एकदम उनके होश उड़ जाते हैं कि ये क्या कह रहा है, कि जी बड़ी कोशिश की है लेकिन ये बुरी आदत छूटती नहीं है। मैं कहता हूं जी बहुत आसान तरीका है मेरे भाई, रोजाना आपने 1 मिनट के लिए सिर्फ मोमबत्ती के ऊपर ना, उसके शोले के ऊपर आपने हाथ ऐसे रखना है 1 मिनट के लिए। तो मैंने कहा इंशाल्लाह आपकी आदत छूट जाएगी। कहते हैं जी 1 मिनट कौन रख सकता है? तो मैंने कहा मेरे भाई 1 मिनट आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो आपने तो इंशाल्लाह ताला इस गुनाह की वजह से जलना है जाके दोजख में, तो आज से प्रैक्टिस शुरू करें। और बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि जो आखिरत की आग है वो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज है, उसमें तो तला जाएगा। यहां तो हम सिर्फ आपको मशवरा दे रहे हैं कि आप मोमबत्ती के फ्लेम के ऊपर सिर्फ हाथ रख के 1 मिनट की प्रैक्टिस तो शुरू करें ना। तो कहते हैं ना जनाब आगे देखी जाएगी जाके, तो अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। तो ये प्रैक्टिस करनी शुरू करें तो इंशाल्लाह ताला खुद ब खुद सबर नसीब हो जाएगा। इसी हवाले से गद्दे बसर जो है, निगाहों को नीचा करना और पर्दे के हवाले से मेरी एक्सक्लूसिव गुफ्तगु है। ये जो वैलेंटाइन डे का भी फितना उठा हुआ है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मसला नंबर है 106, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लड़कों और लड़कियों की डेट्स पे मुलाकातें और पर्दा और बेहजाई से मुतालिक सही अहकाम मसाइल अहले सुन्नत पाक.com पे, जिसे शौक हो तो वो देख सकता है।